वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आपका कवे क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, वर्ड एफिशिएंसी के टेस्ट चल रहे थे सोनी टाइपिंग ट्यूटर में, तो हमने कर लिए थे 37 टेस्ट कंप्लीट। तो अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टेस्ट को, जो हमारा टेस्ट नंबर है अभी 38। तो टेक टेस्ट पर करते हैं क्लिक। आपकी सफलता की मंगल कामना के साथ टेस्ट की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आ रहा है, अप्लाई अंडरलाइन इफेक्ट टू द वर्ड वाइट। तो वाइट जो वर्ड है उसको करते हैं हम अंडरलाइन। जैसा आपको शब्द दिया गया है वैसे के वैसे नोट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, फॉन्ट में जाइए, अंडरलाइन यहाँ से सिंगल कीजिए, ओके कीजिए, रिप्लेस ऑल कीजिए। क्वेश्चन सोल्व, वाइट शब्द ले चुका है अंडरलाइन। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट पेज सेटअप ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है, ओरिएंटेशन में आना है, लैंडस्केप करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बोल्ड करना है। तो तीसरा पैराग्राफ देखते हैं कौन सा है, ये है हमारा तीसरा पैराग्राफ, बोल्ड करना है, होम में आके यहाँ से बोल्ड कीजिए, क्वेश्चन सोल्व। पहला क्वेश्चन आ रहा है, चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ अदर देन द डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर ऑलरेडी गिवन। ब्लैक कलर दिया गया है टेक्स्ट का, तो हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ से कौन सा कलर करें, ये कलर कर देते हैं, नहीं ये कलर बढ़िया है ये करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक नंबर क्वेश्चन, ये एक नंबर पैराग्राफ दूसरा कलर ले चुका है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, सिंगल रो लेके आनी है, वही इमेजिनरी डेटा एड करना होता है, सेव बटन दबाना है, यहाँ से आप जो भी डेटा भरना चाहते हो वो डेटा भरिए इसमें। तो क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। छह नंबर क्वेश्चन है, सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर टू गिवन टेबल सेकंड कॉलम। ये रहा आपका सेकंड कॉलम, इसको किया हमने सेलेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करना है, ये रहा आपका सेंटर अलाइनमेंट। इस तरीके से टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया सेंटर। सात नंबर है, फोर्थ कॉलम को बोल्ड करो, ये आपका फोर्थ कॉलम, इसको करना है बोल्ड, तो इसको करते हैं सेलेक्ट, कीरा बोल्ड कमांड, इस तरीके से इसको कर दिया हमने बोल्ड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चेंज द सेकंड लिस्ट आइटम टेक्स्ट फ्रॉम मिरर्स टू एरर। तो ये देखिए आपका मिरर्स, इसको करना है हमें फाइंड में जाके सर्च। तो मिरर शब्द को करते हैं टाइपिंग, जो भी स्पेलिंग यहाँ पे दी गई है फाइंड करते हैं पहले, फाइंड हमारा हो गया, रिप्लेस में चलते हैं, मिरर्स को बनाना है एरर, तो यहाँ से एरर्स कर देते हैं और कर देते हैं रीप्लेस, क्वेश्चन सोल्व। एरर्स में जो फॉर्मेटिंग लगी अंडरलाइन वो हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, नो नंबर सेट द फॉन्ट साइज टू 10 फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम देखिए कौन सा है, ये आपका फोर्थ कॉलम, और इसका फॉन्ट साइज 10 करना है फोर्थ कॉलम के अंदर, 16 ले रखा है इसने पहले से, 10 कीजिए, ओके कीजिए, क्वेश्चन सोल्व। पहला क्वेश्चन है, मेक द टेबल सेल टेक्स्ट एट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो आपका ये है, फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, तो यही शब्द है फर्स्ट कॉलम में, चेंजिंग क्या मांग रहा है अंडरलाइन की, तो यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइनमेंट टू राइट ऑफ फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ देखिए कौन सा है आपका, ये आपका तीसरा पैराग्राफ है, ये आपका फोर्थ पैराग्राफ, इसको क्या करना है आपको, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है राइट, तो ये रहा आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट, यहाँ से राइट कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेज साइज A5 करने का बोल रहा है, साइज में आते हैं A5 करते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट इंडेंट करनी है फर्स्ट पैराग्राफ की 1.12, ये लो फर्स्ट पैराग्राफ, लेफ्ट इंडेंट करनी है तो पैराग्राफ ग्रुप में चलो, लेफ्ट इंडेंट 1.12 करनी है तो 1.12 कीजिए, ओके कीजिए, क्वेश्चन सोल्व। पहला क्वेश्चन आ रहा है, अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड नेरो। तो जहाँ भी नेरो शब्द है उसमें सुपरस्क्रिप्ट लगाना है, तो आपको रिप्लेस में जाना है, यहाँ पर नेरो शब्द टाइपिंग करना है, उसके बाद में आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो नेरो जो भी शब्द है वो टाइपिंग करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं, फॉन्ट में चलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट की बात कराए तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट, ओके, और रिप्लेस ऑल, तो नेरो शब्द जो भी है वो सुपर स्क्रिप्ट ले चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर टू द सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ ये है आपका, इसको किया हमने सेलेक्ट, ये सेंटर में मांग रहा है तो इसको सेंटर कर देते हैं। तीसरा साथ में हो रहा है तो पैराग्राफ को माउस से सेलेक्ट करो, सेंटर करो, क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक द फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट हाईलाइट। ये आपका फिफ्थ पैराग्राफ, इसको करना है हाईलाइट या सेलेक्ट, और ये हो गया हाईलाइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा फिफ्थ पैराग्राफ है क्या, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर, एकदम सही। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, सेट सेल बैकग्राउंड ऑफ एनी कलर अदर देन वाइट और ब्लैक एट सेकेंड रो। ये लो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये लो सेकेंड कॉलम, इसका क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, ब्लैक और व्हाइट नहीं होना चाहिए, तो बहुत कलर है, ब्लैक व्हाइट करना जरूरी थोड़ी है, ये लीजिए। तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है।
पहला क्वेश्चन आ रहा है मेक सेकंड कॉलम टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू। सेकंड कॉलम का जो भी टेक्स्ट है उसको करना है स्ट्राइक थ्रू, तो सेकंड कॉलम को पकड़ते हैं यहाँ से, स्ट्राइक थ्रू करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, तो यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कीजिए। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए सोल्व और करते हैं सबमिट, देखते हैं हमें कितना मिलता है मार्क्स। अभी हमने 50/50 मार्क्स कर लिए एक्सेप्ट, तो चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। टेंशन न लें, आपको सारे के सारे टेस्ट सॉल्यूशन दिए जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।